हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसे आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके जो सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से जब डीवी होगा या डीवी के बाद आपको मेल पे और बाय पोस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे फॉर्म्स भेजते हैं। तो उसमें से आज पहला हम देखेंगे कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो आप कैसे फिल करेंगे। उसमें ज़्यादा कर क्या पूछते हैं, उतना कुछ हार्ड नहीं रहता, सब इजी और बेसिक नॉलेज रहेगा आपके बारे में। तो जैसे ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा एसएससी एमटीएस में 2022 में सेलेक्टेड हूँ दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। तो ये मुझे मिला था अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बाय पोस्ट, पहले मेल आ गया था, उसके कुछ दिन बाद बाय पोस्ट पहुँच गया था। तो इसमें आइए देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या है आपका। तो पहले ही ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे वार्निंग दे देगा कि आपको इसमें जो भी फिल करिएगा अपना सही फिल करिएगा, कुछ भी मतलब गलत मत फिल करिएगा, क्योंकि अगर आपको बाद में कुछ उनकी तरफ से पता चलेगा कि आप गलत फिल किए हैं तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी फिल करिएगा सही सही फिल करिएगा। तो पहला यहाँ पर आप अपना नेम करेंगे फुल में और ब्लॉक कैपिटल में, फिर आपका अपना प्रेजेंट एड्रेस जो आप जहाँ पे अभी हैं, जहाँ रहते हैं, आपका गली स्ट्रेट रोड डिस्ट्रिक्ट थाना विलेज ये सब जिसे है क्रम में वैसे आप रखिएगा अपना। फिर आपका एक है होम एड्रेस, अगर आप दोनों में सेम आपका एड्रेस दोनों में सेम फिल कर सकते हैं, और अलग अलग है तो अलग फिल कर सकते हैं। उसमें भी वही है थाना डिस्ट्रिक्ट लेन रोड, ठीक, कोई एक फिल कर सकते हो अपने हिसाब से, और ज़्यादा इसको ओवर राइट मत करिएगा। और एक बात बता दूं मैं, ये जैसे हम लोग का 4 सेट मांगा था, यानी 4 पूरा फॉर्म को 4 को प्रिंट आउट मांगा था। आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको अगर जैसे गलत हो गया तो दूसरा काम आ सकता है। ठीक, और आपका फिर ओरिजिनल रेजिडेंस, अगर आप जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं तब आपका आधार कार्ड ये तो आपका रहेगा ही, फिर आपका पैन कार्ड, फिर आपका नेशनलिटी कहाँ के हैं आप, इंडिया के ही होंगे ज़्यादातर लोग, और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आप जितना भी छोटा भी थोड़ा डाल सकते हो, इतना बड़ा भी डाल सकते हो, जितना जगह खाली है आप वहाँ फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालिएगा अपना, फिर आप अभी कितने प्रेजेंट एज में हैं, कितना हो गया आपका एज, जब आप 10 किए थे मेट्रिकुलम यानी वही 10वीं जब किए थे बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तब का आपको डालना है डेट एज, फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ यानी आप कहाँ पैदा हुए थे, आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है, फिर डिस्ट्रिक्ट और एज जहाँ से आप हैं। ठीक, तो मेरा तो दोनों सेम था तो मैंने दोनों में सेम फिल किया था। फिर आपके फादर कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं असली में, जिसे दूसरे का स्टेट के हों या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हों तो वो भर दीजिएगा। फिर आपका रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या जो भी हो डाल सकते हैं वहाँ पे। फिर आप अगर मेंबर हैं ST SC या OBC के तो यस और नो में डालना होगा आपको। और एक बात याद रखिएगा कि आपका क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट वहाँ शो करना ही पड़ेगा, आपको वो मांगेगा ज़रूर, तो इसलिए अपना सर्टिफिकेट भी तैयार रखिएगा साथ में जब भरिएगा। तो फिर एक महत्वपूर्ण है कि आपको पूछ रहा है ये, आप अगर 21 एज के हो गए हैं उसके बाद आप कहाँ पे अभी हैं, या कहीं बाहर रह रहे हैं या इंडिया में ही कहीं दूसरे अपने होम टाउन से दूसरे एरिया में, तो वो सब आपको फिल करना पड़ता है। या आपका कहाँ कब से स्टार्ट है, कहाँ कब तक रहे हैं आप, कौन सा एरिया में, उस एरिया का या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम भी डाल सकते हैं। और आप ज़्यादा बार अपना लोकेशन चेंज किए तो आप पूरा फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप एक में ही फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपका अपने फादर मदर और स्पाउस मतलब जो आपके जीवन साथी यानी जिससे आपका शादी हो गया, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है जो भी हो, ठीक, उनके बारे में फिल करना होता है। तो उनका फुल एड्रेस पहले देंगे, फिर उनका नेशनलिटी या बायोडोमिसाइल कहाँ के, इंडिया के पाकिस्तान के जहाँ के भी हों, फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ वो पैदा हुए थे, इंडिया में अगर हुए तो कहाँ पे हुए हैं, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है,
या कोई एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर में या प्राइवेट में, क्या डेजिग्नेशन है उनका और है तो भी क्या, उनका एड्रेस क्या है, वो ऑफिशियल एड्रेस। फिर उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर वो डेड हैं, अगर मतलब हो गए हैं तो उनका लास्ट एड्रेस मांगेगा। और ये अभी आपका परमानेंट होम एड्रेस पूछेगा कि आप कहाँ परमानेंट रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका फिल करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे सन और डॉटर के बारे में थोड़ा पूछेगा कि आप अगर आपके हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में तो नहीं है, कहाँ पे फॉरेन कंट्री में कहाँ पे हैं, ठीक। तो उनका नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर कौन सा कंट्री में है, फिर कहाँ कब से कब तक पढ़ रहे हैं, उनका डेट मेंशन करना होगा आपको। और आपका अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक डैश लिख सकते हैं, ठीक, खाली मत छोड़िएगा, यहाँ पर डैश ऐसे फिल कर दीजिएगा, नहीं तो एन ए डॉट लिख दीजिएगा, और सब में लिखना होगा आपको खाली जगह पे, ठीक, खाली मत छोड़ना। नेक्स्ट आपका ये आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जब 12 एज के हो गए उसके बाद क्या क्या एग्ज़ाम या एग्ज़ाम पास किया आप, स्कूल का 10th हो गया, 12 हो गया, फिर आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन का डेट डालिएगा, कब आप भर्ती हुए थे यानी कब आप एडमिशन लिए थे और कब आप लीव किए थे ना एग्ज़ाम के बाद बाहर आए थे, फिर कौन सा एग्ज़ाम पास हुए, 10, 12, सबका यहाँ नेम लिखना होगा, ठीक। यहाँ पे आपका स्कूल नेम फिल करिएगा, अपना स्कूल और कॉलेज का नेम, ठीक। हो सकता है आपको डेट याद ना हो, एग्जैक्ट डेट नहीं हो तो आप मंथ भर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मंथ अप्रॉक्स मतलब भर दीजिएगा मंथ, और डेट ऑफ लिविंग का भी रिजल्ट में तो आपका लिखा होगा वो डाल दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ मंथ आप फिल कर सकते हैं, दोनों मंथ और ईयर बस, ठीक, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अगर अपॉइंटमेंट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तो उसके बारे में जानकारी आपको फिर यहाँ देना होगा कि यानी पहले आप पहले से एम्प्लॉयड हैं कि नहीं, कब से आप कब तक ज्वाइन किए हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या था, फिर आपका फुल नेम और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, फिर आप रीज़न क्यों छोड़े उसको, लीविंग छोड़े क्यों सर्विस अपना, वो भरना होगा। और नहीं है तो आप यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ सीधा से एन ए लिख दें यानी नन, ठीक। फिर आपका वही उसके बाद और भी है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पूरा फिल करना होगा, रूल वूल जो होता है वो देख के, अगर है तो ठीक है नहीं तो ना फिल कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका ये है पूछेगा कि आपको कोई भी ये आपका ये जेल में या आपके ऊपर केस हुआ उस सब से मतलब रिलेटेड है लीगल टर्म्स से, तो जैसे आपको डिटेंशन था यस या नो, तो नो अगर आप नहीं है तो, फिर अरेस्ट हुए हैं अगर यस या नो तो नो अगर, ठीक, फिर आप प्रोसिक्यूट हुए हैं यस और नो, फिर आपके ऊपर क्रिमिनल केस अभी पेंडिंग है या चल रहा है आपके ऊपर यस और नो, ठीक, फिर आपके ऊपर या कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर से कोई आपको सज़ा सुनाया गया है कभी तो उसके ऊपर, फिर आपको कभी निकाला गया कोई गवर्नमेंट ऑफिस से या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से तो वो, ठीक, फिर आपको रस्टिकेट किया गया यूनिवर्सिटी से या निकाल दिया यूनिवर्सिटी से भी यस और नो, ठीक। ये लास्ट पेज है इसमें, फिर और एक है कि आप डिसक्वालीफाइड हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सर्विस कमीशन से, जैसे होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो चीटिंग करते हैं या कुछ इलीगल करते हैं एक्टिविटी एग्ज़ाम के दौरान, तो उनको SSC या UPSC आपको डिसक्वालीफाई कर देते कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो कंडीशन है तो यस और नो कर सकते हैं, ठीक। और फिर आप जैसे ये सब था, ये है यहाँ पे, या ये जो आपका 50 नंबर कॉलम में अगर आपने कभी यस भरा है किसी में तो आपको वहाँ पे उसका इसका रीज़न देना होगा कि आपको क्यों किया गया है अरेस्ट या आपके ऊपर कौन सा केस है वो सब, ठीक। और यहाँ पे दे दिया है वार्निंग, यानी आपको इसमें जो भी भरना है सही से भरना, कुछ भी गलत मन भरिएगा, और यस और नो को भी स्ट्रिक्टली देखना कि नहीं कुछ भी मन किया भर दें, क्योंकि सब चेक होगा, और बाद में अगर गलत पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी यानी निकालने का ज़्यादा चांस है, फिर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। फिर आपके 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके लोकेलिटी में हो या आपके
आसपास के हों जो आपको पहचान तो आपको है, ठीक। ये अपना दोस्त या रिलेटिव का नाम तो मत ही भरिएगा, ठीक। मेन हो तो आप अपने आसपास के अंकल के हो सकते हैं आपके, वो सब भर दीजिएगा, ठीक। फिर वही आपका डिक्लेरेशन है कि भाई कि मैं ये जो आपका फिल पढ़ लीजिएगा, आप ध्यान से जो भी फिल करिएगा पढ़ पढ़ के फिल करिएगा। मैं तो ऐसे एक आइडिया दे दे रहा आपको, आपको हो सकता है सिर्फ थोड़ा सा अलग हो। बेसिक यही होता है कि आपको इसमें अपना जनरल, आपका जो होता है जनरल इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक। तो भाई इसमें है कि आप ये सब अच्छा से पढ़ें और जो जैसे फिल किए सब सही है, ठीक। फिर उसके बाद डेट और प्लेस, यानी आप जब इसको सबमिट करिएगा उस टाइम पर डेट डाल दीजिएगा, और प्लेस यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ पे बैठ कर आप फिल किए हैं इसको, वो, ठीक है। फिर सिग्नेचर, इस सिग्नेचर आपका हर एक पेज पे करना है नीचे, जैसे यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर नीचे करना है आपको, हर पेज में आपको सिग्नेचर लगेगा ही, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे भी सिग्नेचर करना है, ठीक। यानी आपको हर पेज में सिग्नेचर लगेगा, और जितना भी आपको सेट ले जाना होगा हर सेट में हर जगह अगर लिखा है जहाँ जहाँ सिग्नेचर, सिग्नेचर करना ही होगा, ठीक। और एक बात, यहाँ पे जब आप यहाँ फोटो लगाएंगे तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा नया में या जो आप SSC का फॉर्म फिल में या एडमिट कार्ड में था उसी का अगर है तो कॉपी निकाल के लगा लीजिएगा, ठीक। बस यही था आपका। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं करना होता इसी का, मुझे तो 4 सेट कॉपी मांगा था तो वही मैंने इसका 4 सेट कॉपी लेके गया था। फिर नीचे वो डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही आपको प्रिंट करके आया रहेगा। फिर वही आपका है कि एड्रेस दिया हुआ है, ठीक। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी इससे रिलेटेड या दूसरे एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए, डिटेल के लिए, गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में या सजेशन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।